अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा ऑप्शन चैनल। नाज़रीन, से सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और वो जो छह जज का लेटर जो लिखा गया है, मामलात आपके सामने जो मुसलसल चल रहे हैं कि छह जजों ने लिख के बता दिया जी आपकी एस्टैब्लिशमेंट फौज एजेंसी जो है हमारे मामला में मुदाखलत करती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, ये छह जज का जो लेटर है ना, ये मामला चीफ जस्टिस साहब ने जो उस वक्त एक कमीशन या जो कमेटी थी उसमें डिस्कस करके और एक कमीशन बनाने का जो ऐलान किया था, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं हुआ जितना उस वक्त नजर आ रहा था। अब आकर हुकूमत को महसूस हो रहा है कि हाँ, कुछ मामला गड़बड़ हो गया और अब आकर ताकतवरों को भी शायद अंदाजा इस बात का हो गया है कि ये तरफ का वो पता खेल दिया इन्होंने जिसके जरिए माजी की जितनी भी अभी तक चालें इनके खिलाफ चली गई है ना, वो सारी की सारी बाउंस बैक कर जाएंगी, वो सारी की सारी रिवर्ट बैक हो जाएंगी। और इसके लिए सर जोड़े बैठे हैं। बहुत अहम खबरें आज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो बड़ा ही खतरनाक होने जा रहा है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले जरा बता दूं कि हम्माद अजहर साहब जो हैं वो मंजर पर आ गए हैं। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हम्माद अजहर का मंजर आम पर आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का, जब चंद दिन पहले आपकी सजाएं सुनाई गई हैं, पहली सजा बाकायदा जो 9.5 मई के मुलजिमान को सुनाई गई है, 5-5 साल वाली। अच्छा, उसके बाद दूसरी अहम बात यह कि छह जजेस का लेटर लिखा और छह जजेस के लेटर के बाद ये पहली आप कहें कि नमूदारी है। और हम्माद अजहर का नमूदार होना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनके मेन स्ट्रीम लीडरशिप में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस थे। और दूसरी बात यहां पर यह है कि आज जब वो सामने आए तो 51 मुकदमात पर उन्होंने राजदारी जमानत भी मंजूर कर ली और आज आकर 9.5 मई के हवाले से उन्होंने साजिश का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। और आज उन्होंने ये भी बता दिया कि 8 मई को लोगों ने अपना हिसाब चुकता कर दिया और साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जनाब हम डटे हुए हैं। अब 9.5 मई के बाद के अगर इवेंट्स को देखें या उससे इवन पहले के भी चंद इवेंट्स को देखें तो इतने प्रेशर के बाद आकर और इतना सब कुछ होने के बाद अगर पीटी के कोई भी फेस ये बात कर रहा है तो इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर कि जनाब किसी ऐसी ग्राउंड पर वो अब खड़े हो चुके हैं जो उन्हें अब वो जगह फराहम कर दी है जिस पे अब वो खेल सकते हैं, लड़ सकते हैं। आप देखें अली मीन गंडापुर भी गायब थे, सामने आए, बल्कि सामने आने से पहले ही उन्होंने रुपोशी में इलेक्शन लड़ा, जीते, एमपीए बने, वजीर आला बन गए। उनके नाकाबले जमानत वारंट जो गिरफ्तारी जारी हुए थे वो मुअत्तल हो गए। अच्छा, इसके अलावा आज फवाद चौधरी भी रिहा हो गए, उन पर जो केस चल रहा था फवाद चौधरी भी अपनी अब इस वक्त अदालत में रिहा करने का हुक्म दे दिया। इसी तरीके से आगे बढ़े तो मुराद सईद के अलावा जो बाकी जितने मुराद सईद समेत जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से कागजात जिनके मंजूर हुए थे उनके खिलाफ एक दरख्वास्त गई थी कि जनाब इनको खारिज किया जाए। अच्छा, वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बैकअप मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, मजबूती मिल रही है, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अच्छा, अब इसी सारे मरहले में खबर आती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशाना वाला केस ही खत्म, सजा मुअत्तल कर दी। भजन इमरान खान बरी, बुशरा बीबी बरी, वही घड़ियां तोशा खाना वाली, सुना था ना तुमने, ये घड़ियां अंदर क्यों, तस्वीरें क्यों ली और फिर ये घड़ियां बेच देना, बहुत सारी ऑडियोज भी सुनते थे आप। अच्छा, आज जब ये सजा मुअत्तल हुई है और सजा खत्म हुई है और उसके बाद फिर इमरान खान की रिहाई की खबर आई है या ऑर्डर आए हैं, इसने हिला कर बल्कि दहला कर रख दिया मुखालिफ पार्टी को। इसकी बुनियादी रीजन ये है कि तोशा खाना का मामला एक ऐसा मामला है जिसको बुनियाद बनाकर सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो ये इमरान खान की उस बर्बादी मुबैना मुमकिना या एक्सपेक्टेड जिसको सोचा हुआ था सजा देने वालों ने या दिलवाने वालों ने कि बस यहां से काम चुक जाएगा तो एनू तो ऐसे हिलना नहीं देना। इस मरहले में इमरान खान ने एक बड़ी चलाकी के साथ कार्रवाई डाल दी और वो कार्रवाई डाली जिसकी वजह से आज इनकी रिहाई भी मुमकिन हुई है कि तोशाखाना किस चिड़िया का नाम है ये बता दिया आवाम को। 60 साल से वो जमातें जो आपस में एक दूसरे से लड़ती भी थी, बुरा भला भी कहती थी, लेकिन बताती नहीं थी कि तोशाखाना नाम की भी कोई चिड़िया होती है। अब जब इन पर ये इल्जाम लगा और ये सारा कुछ घड़ी चोर और ये सारे मामला सामने आए तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने डिफेंड नहीं किया अपना आप, डिफेंड कर नहीं सकते थे, क्या करते डिफेंड, इन्होंने उस तोशाखाना को खोल खोल के आवाम के सामने रखते हुए बता दिया कि जी भाई जान ए तोशाखाना असी चोरी की थी, तो पूछो ना जेडे साढ़े इल्जाम ला रहे हैं, तो वे चोर है। हाँ, अगर मुझे सजा देते हो तोशाखाना में
तो तोशाखाना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो तीन दहाइयों चार दहाइयों से इन्होंने जो बैरून ममालिक से गिफ्ट पाकिस्तान के स्टेट को आए हैं, जो इन्होंने अपने पास रखे हैं, कालीन रखे हैं, मर्सिडीज रखी हैं, गाड़ियां रखी हैं, जो भी चीजें रखी हैं, हिसाब लो, इनको बुलाओ, फिर बात बनेगी। लेकिन चूंकि इनको नहीं बुलाया गया और इनको सजा दे दी गई, इससे हुआ यह कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हुई है, क्योंकि इंटेंसिटी सेम थी ना। इसको थोड़ा सा हम आसान लफ्जों में यह कर देते हैं, नवाज शरीफ साहब जब पनामा केस में, जब पनामा केस के सिलसिले में जब नवाज शरीफ गिर घेरा तंग हुआ, तो तकरीबन 450 लोगों पर पनामा में नाम थे, यानी पनामा केस में 450 पाकिस्तानियों के नाम थे। लेकिन आप ये देखिए कि 449 लोगों को छोड़ के सिर्फ एक नवाज शरीफ को पकड़ लिया गया, जिससे पता लगा कि यार ये मामला कुछ और है, ये पनामा का मामला नहीं है, ये विक्टिमाइजेशन का मामला है। नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया गया और सात चीजें सामने आ गई कि हाँ, उस वक्त भी आप देख रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट आपके उस वक्त एक ही फोकस था, नवाज शरीफ। उस वक्त बाजवा साहब थे, फैज हमीद साहब थे, और सिर्फ एक ही बंदा रिक्वायर्ड था, वो रिक्वायर्ड थे जी, बस नवाज शरीफ को साइड पे कर दिया जाए। उसके बाद आप देखिए कि चीज़ें जैसे जैसे आगे आई, इस्टेब्लिश हुई, जैसे शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब की अभी जो फैसला आया, उसके बाद इस बिल्कुल वाजे हो गया कि हाँ, पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया था। तो द सेम इज द केस इस तोशाखाना में भी, हाँ, पोलिटिकली तरीके इंसाफ के विक्टिमाइज किया गया। तो इमरान खान ने कामयाबी के साथ ये कार्रवाई डालते हुए अवाम की अदालत में मुकदमा ऐसे तरीके से रख दिया कि आज तोशाखाना की ईची बीची जबान ज़दे आम होगी, फिंगर टिप्स पे आ गई। नवाज शरीफ ने कितनी गाड़ियां ली, मरियम ने कितनी गाड़ियां ली, शौकत सॉरी यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौन सा कानून कम करके नवाज शरीफ या नून लीग को फेवर दी, और ये आपस का इनका मुखमुखा लड़ाई भी सामने आ गई। तो और इनको ना बुलाकर इस पर इन्होंने मोहर शब्द कर दी कि हाँ, तोशाखाना के मामले में ना इमरान खान को, मतलब वो क्या कहते हैं, विक्टिमाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब इस सारे मरहले में आप जरा ये बात जहन में रखिए कि ये जो चीजें हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि 6 जजेस का लेटर जो लिखा गया है इसने ज्यादा काम खराब कर दिया। तो आप ये देखिए कि इस लेटर के बाद फिर जो भूंचाल आया, और उस लेटर के बाद कहा गया कि सोमोटो एक्शन लेने के लिए, जो आपको पता है फुल कोर्ट जो उन्होंने बनाया था, उसके बाद उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया। लेकिन इस सोमोटो एक्शन लेने से पहले एक इवेंट ये हुआ कि 300 वकला ने एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 300 लोगों के लिखे हुए लेटर में उन्होंने जनाब ये बात कह दी कि जी आप इसको कानूनी तौर पर जो है अपने जेरे साया लेकर चले, और उस इंक्वायरी कमीशन से वो कहते हैं कि रिजर्वेशंस शो की, जिस इंक्वायरी कमीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी जस्टिस रिटायर्ड सद्दक हुसैन जुलानी साहब, उनकी सरबराही में जो हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था इंक्वायरी का कि किसी तरीके से अब ये जो जजेस का मामला है इसको हल किया जाए। तो उस मामले को, उस मरहले को, उस चीज़ को आज बहरहाल हम कह सकते हैं कामयाबी के साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथ में मोड़ लिया। अब टेक्निकली जरा चीज़ों को देखें कि मामला 6 जजेस का है, 6 जजेस के लेटर ने 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को तकवीत दे दी जो इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठ के मुसलसल वो एक बयानिया बना रहे थे, बता रहे थे, और बता रहे थे कि जनाब हमें खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब ने जो इल्जाम लगाया था फैज हमीद साहब पर, इन 6 जजेस ने सेम वही इल्जाम लगा दिया है मौजूदा आपके आईएसए चीफ कह लें या आर्मी चीफ कह लें या मौजूदा एजेंसी उसको कह लें। तो अब इस सारे मरहले में यहां तक का मामला आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पैतर पे रिहाइयां, जमानतों की खबरें आना, फिर उन रुपोश लोगों का सामने आना, दैट शोज कि जो अब तक इकदाम उठाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसे आइंदा आने वाले दिनों में डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो बाउंस बैक करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक नैरेटिव बिल्डिंग और प्रोपेगेंडे में अपना सानी रखती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अपने हक में एक कंपेन की सूरत में इन सारे इकदाम को बाउंस बैक कराने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से 6 जजेस के लेटर को उन्होंने टोटली टेकअप करते हुए आज
बड़ी कामयाबी के साथ वो सारा मामला और मामला कर दिया। बुध की बुध वाले दिन जो 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है वो 6 जजेस के लेटर के मामले को देखेगा। और जिलानी साहब की जहां तक बात है, चूंकि उन पर बहुत शदीद एतराज़ किया जा रहा था कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है, तो जिलानी साहब ने जनाब माजत कर ली कि भी मैं किसी भी ऐसी कमीशन की सरबराही के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया। ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। तो बाय एवरी सिंगल पासिंग मोमेंट सोचने की जरूरत है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, या जो भी उनकी मुखालिफ पार्टी कह लें, क्योंकि एक तरफ इमरान खान है तो दूसरे मुखालिफ पार्टी दूसरी हुकूमत कह लें, चले हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि भाई कहां जाकर वो उनके अंदर कमी ऐसी है कि उनकी हर जो वो कहते हैं कि बार है या उनकी जो हर चाल है वो रिवर्स हो रही है, बाउंस बैक कर रही है। सारा शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।